हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिंग होम 24। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस 2019 की। तो आज की जो वीडियो होगी इसमें होगा जीके यानी सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 2। तो इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेट को आज शुरू करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है यहाँ से कि मंडी रियासत का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो फ्रेंड्स, अभी जो हिमाचल के क्वेश्चन आपको इसमें कवर करवाए जाएंगे वो सभी आपके जो हैं एचपी पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको लिमिटेड क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ में फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि जो आपको क्वेश्चन सामने दिखता है, चार ऑप्शन होंगे, वीडियो को रोकिए और वहाँ पे उसका आंसर नीचे कमेंट कीजिए, और साथ में अपनी जो फाइनल स्कोरिंग है वो कमेंट कीजिएगा। इसीलिए हम ये मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं ताकि आपकी जो है तैयारी हो साथ साथ, और आपको कितने क्वेश्चन आप इनमें से अटेम्प्ट कर सकते हैं वो भी आपको पता चले। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि मंडी जो रियासत का इतिहास ये पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक लिखी है ऑप्शन ए, मनमोहन सिंह ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आगे आएंगे सभी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कुल्लू रियासत के संस्थापक निम्न में से कौन माने जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है बिशुद्ध पाल, गंभीर पाल, बाघपाल या बिहंग मणिपाल। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सभी को इसका आंसर पता होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहंग मणिपाल। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, ये अभी हमने जीके का सेक्शन शुरू किया है, ऑलरेडी जो है 2012 से लेकर 2018 के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो उस पर अपलोडेड हैं इंग्लिश सेक्शन के, वो भी आप देख सकते हैं, और साथ में 9 वीडियोज़ जो है हमने एचपी पुलिस के रिलेटेड अपलोड की हुई हैं। तो वीडियोज़ को देखिए और साथ में इस मॉक टेस्ट को भी अटेम्प्ट कीजिए, तो आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे से होगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, क्वेश्चन है किसके शासनकाल में रघुनाथ की प्रसिद्ध प्रतिमा को अयोध्या से कुल्लू लाया गया था। फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अभी जिन्होंने एचपी पुलिस जो एचपी जेल बॉर्डर का एग्ज़ाम दिया है 2019 का, भी जो है पिछले मंथ हुआ था शायद, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है अभी पूछे जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के वहाँ पे पूछे जाने की संभावना है। तो अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए, इसका आंसर है जगत सिंह, ऑप्शन बी जो है जगत सिंह है। जगत सिंह ने जो रघुनाथ की प्रसिद्ध प्रतिमा थी उसको अयोध्या से कुल्लू लाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसका तो आपको आंसर नीचे कमेंट करना है। देखिए, निम्नलिखित में से मिंजर मेला किस जिले में लगता है। इसका आंसर आपको नहीं बताया जाएगा, आपको नीचे कमेंट करना है। आपके ऑप्शन है कांगड़ा, कुल्लू, चंबा या ऊना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो के अंत में भी इसका आंसर आपको बताया जाएगा। परंतु अगर अभी आपको इसका आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन है कि धार्मिक महत्व का स्थल श्रीखंड महादेव, आपने काफ़ी बार सुना होगा, तो श्रीखंड महादेव जो है वो किस जिले में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है मंडी, किन्नौर, चंबा या कुल्लू। तो आपको बताना है कहाँ पर है, अगर आपको पता है तो कमेंट नीचे कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 2 सेकंड या 3 सेकंड। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा श्रीखंड जो है वो है कुल्लू में, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। और श्रीखंड से रिलेटेड देखिए, एक और इसकी जो है हाइट पूछी जाती है कि कितनी हाइट है। तो इसकी हाइट की बात करें तो वो है 16,900 फीट, ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। और इसी के साथ साथ अगर एक और बात करें, जो एक और इम्पोर्टेंट चोटी है, वैसे तो काफ़ी सारी हैं बट जो एक और है वो है दियो टिब्बा। आपने सुना होगा दियो टिब्बा नामक जो चोटी है वो कहाँ है, तो वो भी है कुल्लू में। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इस क्वेश्चन से क्या इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इस क्वेश्चन से पूछा जाता है दियो टिब्बा की हाइट, हाइट कितनी है, तो ये आपको बताना है, ये है 6001 मीटर। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसीलिए आपको साथ में बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो अगर बात करें इन चारों में से किसका, आपको बताना है मंडी, कुल्लू, सोलन या सिरमौर, इनमें से किस जो जिले का क्षेत्रफल है वो सबसे कम है इन चार में से। तो आपको बताना है, अगर आपको फ्रेंड्स पता होगा ये सारा कि
किस जिले का कितना क्षेत्रफल है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा पूछा भी जाता है, आपको कोई भी जो है चार जिले दे दिए जाएंगे, उनमें से बताया जाएगा इनमें से सबसे बड़ा जिला पूछ लिया जाएगा या फिर सबसे छोटा, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें बात करें तो सोलन जो है वो सबसे छोटा है इनमें से। देखिए सोलन का जो एरिया है वो है 1936, ठीक है। और उसके बाद बात करें अगर यहाँ से कुल्लू की आप बात करें तो कुल्लू है 5503, ठीक है, 5503 स्क्वेयर किलोमीटर। और उसके बाद देखिए मंडी की बात करें अगर आप, तो मंडी का यहाँ से है 3950, ठीक है, 3950। तो फ्रेंड्स इनको आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये हमने आपको बताया कि ये जो है पूछे जाते हैं। तो आप एक एक करके जो है देखिए, सबसे पहले अगर सबसे बड़ा की बात करें कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश में किस जिले का है, ये आप सभी को पता है, वो है लाहौल स्पीति। उसका एरिया है लाहौल स्पीति का 13,835 स्क्वेयर किलोमीटर। और साथ में अगर सबसे छोटा की बात करें कि सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो वो है हमीरपुर। हमीरपुर का एरिया है 1,118 स्क्वेयर किलोमीटर। और यहाँ से लास्ट रहा था हमारा सिरमौर, और अगर सिरमौर की बात करें तो वो है 2825, यानी 2,825 स्क्वेयर किलोमीटर। तो यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है कि सोलन का एरिया जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन और इनके जो हेड क्वार्टर हैं वो भी ध्यान रखने हैं कि किस जिले का हेड जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय वो कहाँ पर है। तो यहाँ से आपको पता है कि जो मंडी का मंडी में है, कुल्लू का कुल्लू में। फ्रेंड्स ये एक्स्ट्रा जानकारी इसीलिए दी जाती है ताकि आपको इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आप जो है मिस ना कर सके, और आप इन क्वेश्चनों की तैयारी खुद से भी करें ताकि जो थोड़ा और इनके बारे में डिटेल से पढ़ें। मंडी का मंडी और कुल्लू का भी जो है कुल्लू, और अगर हम सिरमौर की बात करें तो वो है नाहन, ठीक है, और सोलन का भी सोलन। और कांगड़ा की बात करें तो वो है धर्मशाला, और लाहौल स्पीति की बात करें तो वो है केलांग, और किन्नौर की बात करें तो वो है रिकांगपियो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको ध्यान रखने हैं जिला मुख्यालय भी। और उसके बाद बात करेंगे कि जो है मनाली में स्थित पर्वतारोहण संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो आपके ऑप्शन है 1970, 1961, 1975 या 1969। तो अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। और देखिए इसका राइट आंसर होगा 1961, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है कि किस जिला में जो है एम्स का निर्माण होने जा रहा है। एम्स का निर्माण जो है किस जिले में, हमीरपुर में, मंडी में, बिलासपुर में या फिर शिमला में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन सी बिलासपुर, ठीक है फ्रेंड्स, बिलासपुर जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन है, हिंदुस्तान तिब्बत सड़क पर संजोली सुरंग का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो ये बताना है आपको कि जो हिंदुस्तान तिब्बत सड़क पर संजोली सुरंग, देखिए यहाँ से संजोली सुरंग का निर्माण कब हुआ था, आपके ऑप्शन आपके सामने है ऑप्शन ए बी सी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1851 से 1852। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1888 में शिमला के कटक पर निर्मित टाउन हॉल का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो 1888 में यानी 1888 में शिमला के कटक पर निर्मित टाउन हॉल जो है, टाउन हॉल का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। आपके ऑप्शन आपके सामने, लॉर्ड मिंटो, रॉबर्ट कोट, एच एस रंगराज और हेनरी इरविन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हेनरी इरविन का, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, टाउन हॉल का डिज़ाइन है वो है हेनरी इरविन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सूतक का संबंध निम्न में से किस रीति रिवाज से है। तो आपको बताना है जो सूतक है उसका संबंध किस रीति रिवाज से है, विवाह से है, जन्म से है, मरण संबंधी है या पुनर्विवाह संबंधी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जन्म संबंधित। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहलूरी किस क्षेत्र की भाषा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहलूरी किस क्षेत्र की भाषा है। आपके ऑप्शन है बिलासपुर, चंबा, किन्नौर, सिरमौर। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को रोकिए, और ऑप्शन 4 आपके सामने है, इसमें से जो राइट आंसर होगा वो नीचे कमेंट कीजिएगा।
तो देखिए बात करें इस क्वेश्चन की, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इसीलिए हमने इसमें इंक्लूड किया है। और फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं वो सभी जो हैं जो एचपी पुलिस में जीके के क्वेश्चन जिस प्रकार के पूछे जाते हैं, तो उसी प्रकार के ये क्वेश्चन आपके सामने हैं। और आपको जो भी क्वेश्चन होंगे, चाहे ये एचपी जीके के होंगे, एचपी करंट अफेयर्स के होंगे, सभी क्वेश्चन जो है आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर आपका कोई सुझाव है या आपको कोई डाउट है किसी चीज़ पर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है कोचिंग होम 24 के नाम से, वहाँ पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको वहाँ पर अवश्य ही रिप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बताना है कि कहलूर किस क्षेत्र की भाषा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिलासपुर। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कहलूर है बिलासपुर की। तो देखिए क्वेश्चन है कि जो करियाला है वो किस जिले का लोक नृत्य है। करियाला जो है किस जिले का लोक नृत्य है, वो है हमीरपुर का, शिमला का, कांगड़ा का, या फिर सिरमौर का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिमला का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर किस जिले से संबंधित हैं। आपके ऑप्शन है चंबा, शिमला, मंडी, सिरमौर। तो जो मुख्यमंत्री हैं हमारे जयराम ठाकुर जी, उनका संबंध है मंडी जिले से, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि जो सिरगुंडी है वो रस्म किस जिले में शादी के दौरान होती है। देखिए यहाँ से सिरगुंडी जो है आपने सुना होगा इस रस्म के बारे में, अगर नहीं सुना है तो फिर भी देखिए। आपके ऑप्शन है कांगड़ा, सिरमौर, चंबा, या फिर कुल्लू। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इसमें कांगड़ा, ऑप्शन ए जो है कांगड़ा होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन है कि गोरा देवी का टिब्बा शिखर किस जिले में स्थित है। गोरा देवी का टिब्बा जो है, आपके ऑप्शन है कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, या फिर सिरमौर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंबा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ी दिवाली कहाँ मनाई जाती है। आपके ऑप्शन है हमीरपुर, शिमला, निरमंड, या फिर किन्नौर। तो फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी बार आपने देखा होगा एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर पता है। अगर जिनको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी साथ साथ में स्कोरिंग भी काउंट करते जाइएगा कि आपको कितने जो है इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और फ्रेंड्स इसी के साथ साथ जो है आपका जीके के साथ साथ आगे आपका इंग्लिश, हिंदी और जो है जनरल साइंस की आप वीडियोज़ देख सकते हैं, चैनल पर हैं एक दो वीडियोज़ जो, उसके साथ साथ और वीडियोज़ भी आएंगी। और रीजनिंग और अभी जो एक रहा है 2012 से लेकर 2018 के मैथ्स के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें वो सारे कवर हैं। और हिंदी, इंग्लिश और जीके के सभी आपको जो है क्वेश्चन पेपर की अलग से एक एक वीडियो बना के हमने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और इसके जब जो ये सेक्शन जीके का कंप्लीट होगा, इसी के साथ साथ हम इंग्लिश, हिंदी के जो मॉक टेस्ट होंगे वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, और देखिए इसका आंसर था निरमंड, कुल्लू। आई होप आपको पता होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांबर और दिवोदास के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चला था। शांबर और दिवोदास के बीच में जो युद्ध था वो 30 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष, या 47 ईयर्स। तो आपको बताना है कि कितने साल वो युद्ध चला था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 40 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बैजनाथ को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता है। तो प्राचीन काल में जो है बैजनाथ को पुकारा जाता है पालमपुर, किलग्राम, बनेड़, या फिर निरमंड। तो बैजनाथ का एक प्रकार से पुराना नाम बताना है कि किस नाम से पुकारा जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किरग्राम। किरग्राम जो है यहाँ से राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे जो आज ये एच पी जी के का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एच पी जी का, इसके बाद जो है इंडिया जी के क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों ने लाहौल पर कब्जा कब किया था। तो 1840, 1844,
1846 या फिर 1850 में। तो आपको बताना है कब किया था, तो वो किया था 1844 में, यानी 1844 में, सॉरी 1844 में किया था। तो क्वेश्चन को ध्यान रखना है इसका। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन कीजिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ से होगा 1846, 1846 में ये जो हुआ था, ऑप्शन सी, 1846 में जो है अंग्रेजों ने लाहौल पर कब्जा कर लिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इंडिया जीके के। तो फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये भी, इसमें से जो होगा साइंस के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं, तो कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन भी हैं, सभी मिक्स क्वेश्चन हैं और सभी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन है कि कम ताप मान को जो मापने के लिए यंत्र प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो राइट आंसर होगा इसका, अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रायोमीटर जो है इसका राइट आंसर है, कम तापमान को मापने के लिए क्रायोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स जब भी क्वेश्चन को आप देखते हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ से पूछा गया है कि राज्यों से कुल सदस्य संख्या की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है कि 630, 530, 430 या फिर 330। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 530। और अगर आपको बात करें कि लोकसभा की अधिकतम कितनी हो सकती हैं, तो वो हो सकती हैं 530 प्लस 20 और प्लस 2, और टोटल मिला के हो जाती हैं 552। ठीक है फ्रेंड्स, 552 जो है वो अधिकतम हो सकती हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है आपने। ये भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा की जो है अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती हैं, और जो लोकसभा है वो संसद का निचला भाग है, और अपर की हाउस की बात करें तो वो है राज्यसभा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, देखिए क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे। तो आपके ऑप्शन हैं मुरारजी देसाई, फखरुद्दीन अली अहमद, बीपी सिंह या फिर इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, फखरुद्दीन अली अहमद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से केविन ड्यूरंट कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं। काफ़ी महान खिलाड़ी हैं ये भी केविन ड्यूरंट। तो आपके ऑप्शन है गोल्फ, बेसबॉल, बास्केटबॉल या फिर मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग। तो केविन ड्यूरंट जो हैं वो हैं बास्केटबॉल के खिलाड़ी, और ये यूएसए के खिलाड़ी हैं, अमेरिका के, और ये काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो केविन ड्यूरंट हैं वो खेलते हैं बास्केटबॉल से, और ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है कि भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं। आपके ऑप्शन है पश्चिम घाट, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, अरावली या फिर पूर्वी घाट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा अरावली पहाड़ियाँ। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, या फिर भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली पर्वत श्रृंखलाएं। देखिए कौन सा देश जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो आपके ऑप्शन है ब्राज़ील, चीन, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर भारत। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। चीन जो है वो चावल का सबसे अधिक उत्पादक देश है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की देखें। देखिए क्वेश्चन है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है गुरु रामदास, शाहजहां या फिर राव जोधाजी या फिर महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा यहाँ से शाहजहां, और शाहजहां ने करवाया था 1656 में, 1656 जो में जो है जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, और किसके द्वारा करवाया गया था, शाहजहां द्वारा। फ्रेंड्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो आपके ऑप्शन है 1764, 1526, 1576 और 1857। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अभी वीडियो को यहाँ पे रोकिए और अपना जो है आंसर नीचे कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर बात करें कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, देखिए हल्दी घाटी जो है ये स्थान राजस्थान में काफ़ी ऐतिहासिक स्थान है, और यह स्थित है राजस्थान में। और उसके बाद बात करें कि ये युद्ध हल्दी घाटी का कब हुआ था, वो हुआ था 1576 में, 1576 में ये जो युद्ध हुआ था।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वो है इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, मदर टेरेसा, लीला सेठ। और फ्रेंड्स आई होप आपको सभी को ये क्वेश्चन पता होगा और क्वेश्चन काफ़ी आसान भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो नीचे अपने इस क्वेश्चन का भी आंसर जो कमेंट कीजिएगा और इस क्वेश्चन का आपको जो आंसर है वो हमें कमेंट करना है कि भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार आपने एग्ज़ाम में देखा होगा, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर जो है नीचे कमेंट करना है। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, इनमें से माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ नामक जो ये बुक है वो उसके लेखक कौन है? तो आपको बताना है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, अरस्तु, विंस्टन चर्चिल, जेम्स मॉरिस या फिर महात्मा गांधी। तो इसके लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में। और फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन अभी आपने वीडियो में देखे सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखिएगा और जो एक्स्ट्रा आपको बातें बताई हैं उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए हैं उनको भी ध्यान रखिएगा और उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा जानकारी है वो आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये थे आज के जो है सेकेंड मॉक टेस्ट था, ये थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आगे ही ऐसे आपके लिए और वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर कोई भी आपको डाउट है तो हमारे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।